इसराइल पर 7 अक्टूबर यानी शनिवार की सुबह हमास ने हमला कर दिया, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। कुछ ही मिनटों में हजारों रॉकेट दाग दिए गए। इसराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी में रहने वाले हजारों लोग आ चुके हैं। हमास के हमलों में इसराइल के 300 लोगों की मौत हुई थी। जवाबी कार्रवाई में हमास के 400 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच चीन का पहली बार रिएक्शन आया है। चीन ने रविवार को फिलिस्तीन और इसराइल से युद्ध को तुरंत खत्म करने की अपील की है। बीजिंग की ओर से कहा गया है कि दोनों देशों को संयम बरतते हुए हालात और बिगड़ने से बचे। इसके साथ ही चीन ने नागरिकों की रक्षा के लिए शांति बहाल करने के लिए कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन ने कहा है कि वो फिलिस्तीन और इसराइल के बीच तनाव और हिंसा में बढ़ोतरी से बहुत चिंतित है और वह दोनों पक्षों से शांत रहने की अपील करता है। चीन पूर्वी एशिया में इसराइल के सबसे करीबी आर्थिक सहयोगियों में से एक है, जहां दोनों देशों ने राजनीतिक और सहायक आर्थिक संबंध बनाए रखने में काफी महत्व दिया। चीन ने 1988 से फिलिस्तीन को मान्यता दी। 1992 से चीन ने इसराइल के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध भी स्थापित किए और तब से दोनों संस्थाओं के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखा है। इन सारी चीजों को देखते हुए चीन ने बिल्कुल संतुलित तरीके से अपनी राय दी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसराइल और फिलिस्तीन आतंकवादी समूह हमास के बीच भीषण संघर्ष पर सवालों के जवाब में कहा कि गाजा पट्टी में दोनों पक्षों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।